हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आई एम एडवोकेट सुनील गायकवाड़। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। तो ये जो 375 जो सेक्शन है, सेक्शन 375 ये जो सेक्शन है उसमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ये जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जो अमेंडमेंट एक्ट है, तो उससे ये अमेंडमेंट एक्ट से कुछ सेक्शन 375 में कुछ प्रोविज़न इंसर्ट हुई है। ठीक है, तो कुछ ऐड हुए प्रोविजंस इसमें सेक्शन 375 में, जो रेप है, रेप की सेक्शन, उसमें कुछ प्रोविजंस ऐड हुई है। जैसे उसमें दिया है ए बी सी डी, ये जो ऐड हुए है इसमें सेक्शन 375 में, तो ये आप पढ़ सकते हैं ये प्रोविजन ए बी सी डी। ठीक है, इसके बाद का अपन पोर्शन डिस्कस करते। अंडर द सर्कमस्टेंसेस फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेवन डिस्क्रिप्शंस, ये जो ऊपर के जो दी है ए बी सी डी, ये जो इंसर्ट जो किए सेक्शन 375 में, ये ऑफेंसेस, तो ये ऑफेंसेस अगर ये अभी जो मैं आगे डिस्कस करूँगा सेवन डिस्क्रिप्शन, उसमें अगर फॉल होता है जो ए बी सी डी जो इंसर्ट हुए ऑफेंसेस, वो अगर सेवन ऑफेंसेस सेवन डिस्क्रिप्शन में अगर फॉल होते हैं, तो अपन ये बोल सकते कि रेप का ऑफेंस हो गया। सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में अपन पढ़ रहे, तो रेप का ऑफेंस हो गया अपन ये बोल सकते। तो उसमें फर्स्ट में ये दिया है अगेंस्ट हर विल। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगेंस्ट हर विल, उसके इच्छा के विरुद्ध सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ठीक है, तो अपन ये बोल सकते कि उसने रेप का ऑफेंस किया। ठीक है, अगेंस्ट हर विल, उसके इच्छा के विरुद्ध अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किए तो उसने रेप का ऑफेंस किया, ऐसा अपन बोल सकते। सेकंड में ये दिया है विदाउट हर कंसेंट। ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब किया किसी ने कोई वुमेन के साथ, तो उसकी कंसेंट नहीं थी, विदाउट हर कंसेंट से अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो उसको भी बोलते अपन रेप का ऑफेंस किए। ठीक है, थर्ड में ये दिया विथ हर कंसेंट, उसकी कंसेंट मिली सेक्सुअल ऑफेंस के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वो वुमेन ने कंसेंट दी, लेकिन when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or hurt, तो जो व्यक्ति ने वो वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और उसकी जो कंसेंट ली, तो उसको डर दिखा के ली, ठीक है, भय दिखाया उसको, हो सकता है मृत्यु का भय दिखाया या उसको हर्ट करने का भय दिखाया, और वो डर के मारे उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट दी, ऐसा अगर होता है तो उसको भी बोलते ऑफेंस जो है रेप का ऑफेंस किया, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, उसने कंसेंट तो दी, लेकिन वो जो कंसेंट जो दी उसने अंडर फियर में दिया, उसने कंसेंट नहीं, कंसेंट अंडर फियर में दिया, जो आदमी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उसने उसको डर दिखाया, हर्ट का डर दिखाया और उसकी कंसेंट ली, तो इसको बोलेंगे अपन रेप का ऑफेंस किया उसने। ठीक है, और फोर्थ में ये दिया है विथ हर कंसेंट व्हेन मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड, उसने कंसेंट दी वो आदमी को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, वो वुमेन ने कंसेंट दी, ठीक है, लेकिन वो मैन जो है जिसको कंसेंट दी, वो मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड, उसको पता है कि मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ, ये उसको पता है, एंड दैट हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही इज अनदर मैन टू हुम शी इज आर बिलीव्स हरसेल्फ टू बी लॉफुली मैरिड, तो वो बिलीव करती है, वो वुमेन बिलीव करती है कि ये लॉफुली मैरिड है, ठीक है, ऐसा बिलीव करती है वुमेन, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वो अपनी कंसेंट देती है, तो ये भी ये एक प्रकार का रेप का ऑफेंस बन जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया, अपन बायगेमी वो आदमी ने किया, ऐसा भी बोल सकते हैं। सपोज अगर
आदमी नागपुर का है, नागपुर में उसकी लीगली शादी हो गई, ठीक है। बाद में वो दिल्ली में कई काम के लिए चला गया, ठीक है। उसको उससे वहाँ पे कोई लेडी के साथ उसके कांटेक्ट आ गए, वुमेन के साथ कांटेक्ट आ गए। उसको उसने बताया नहीं कि नहीं भाई मेरी नागपुर में शादी हो गई, मैं मेरी वाइफ है, ऐसा उसने बताया नहीं, मेरे बाल बच्चे, ऐसा कोई उसको बताया नहीं, ठीक है। और उसके साथ शादी की, यानी फर्स्ट वाइफ इन एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस में रहने के बाद उसने दूसरी शादी की वहाँ पे वो लेडी के साथ। उसको बताया नहीं कि मेरी मैरिज मेरा मैरिज हुआ, ऐसा बताया नहीं। और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। वो भाई ने बिलीव किया कि नहीं भाई मेरी लॉफुली शादी होगी, ऐसा उसने बिलीव किया। और वो उसने भी कंसेंट दिया सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। बाद में उसको पता चला कि नहीं भाई इसकी ऑलरेडी तो शादी हो गई, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में उसने रेप का ऑफेंस किया, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। उसने तो कंसेंट दी, लेकिन उसने बिलीव किया कि नहीं भाई मेरी लॉफुल मैरिज हो गया इसके साथ। लेकिन एक्चुअली इसकी पहली शादी हुई है नागपुर में, और उसको बताया नहीं, और उसने बिलीव किया और सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो ये भी रेप का ऑफेंस माना जाएगा। इसके बाद फिफ्थ में ये दिया है विथ हर कंसेंट, विथ हर कंसेंट, यह भी कंसेंट से सेक्सुअल ऑफेंस हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। विथ हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है, इंटॉक्सिकेशंस आर एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली आर थ्रू अनदर ऑफ एनी स्टुपीफाइंग आर अनहोलसम सब्सटेंस सी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट टू विच सी गिव्स कंसेंट। उसने ये जो फिफ्थ में दिया है, उसने तो कंसेंट दी, लेकिन कैसे कंडीशन में कंसेंट उसने दी, एट द टाइम ऑफ गिविंग कंसेंट, तो वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था उसका, उस वक्त जब उसने कंसेंट दी उस वक्त अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था, या इंटॉक्सिकेटेड थी वो, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन लिया था उसने, ऐसा भी हो सकता है, या उसको कहीं जो ये जो सब्सटेंस स्टुपीफाइंग सब्सटेंस कोई नशीला पदार्थ देके, ठीक है, कुछ नशीले पदार्थ देके उसने किसी ने नशीले पदार्थ दिया उसको, उससे वो नशे आ गए और उस कंडीशन में उसकी कंसेंट ली, ठीक है। तो ऐसे अगर सिचुएशन है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है वो लेडी, या इंटॉक्सिकेटेड है, ठीक है, या उसको किसी ने नशे आने वाला पदार्थ दिया और कंसेंट ली उससे और सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो इसको भी बोलते रेप का ऑफेंस किया, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद सिक्स में ये दिया है विद आर विदाउट हर कंसेंट व्हेन सी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर वो वुमेन 18 ईयर्स ऑफ एज की है, अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, तो उसकी कंसेंट से सेक्सुअल ऑफेंस करो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, या विदाउट कंसेंट से सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, कंसेंट इज इमटेरियल, कंसेंट का कोई सवाल ही नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं भी वो 18 ईयर की है, उसने कंसेंट दी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो ऑफेंस नहीं बन जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि 18 ईयर्स, इफ सी इज अंडर 18 ईयर्स एंड इफ एनी पर्सन कमिटेड सेक्सुअल ऑफेंस, देन वी कैन से दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप, ठीक है। इसके बाद सेवन में ये दिया है व्हेन सी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, अगर वो बोलने लायक नहीं है वो लड़की, ठीक है, अगर वो लड़की बोलने वो लायक नहीं है और उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो रेप का ऑफेंस माना जाएगा। इसके बाद ये जो सेवंथ, ठीक है, सेवंथ डिस्क्रिप्शन, उसमें ये दिया है कि अगर वो बोलने लायक नहीं लड़की है, अगर किसी ने उस पर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो ये ऑफेंस रेप का ऑफेंस माना जाएगा। उसमें एक्सप्लेनेशन वन दिया है, एक्सप्लेनेशन टू दिया है, वो पढ़ लेना। इसके बाद एक्सेप्शन दी है वन एंड टू। एक्सेप्शन वन में ये दिया है कि मेडिकल प्रोसीजर आर इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, अगर लेडी को एग्जामिनेशन करता है, ठीक है, जो मेडिकल पार्ट है, तो एग्जामिनेशन जो जैसे सेक्सुअल ऑफेंस अगर हो गया, वो लेडी को अगर डॉक्टर एग्जामिनेशन करता है, मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन करता है, ठीक है, तो
जो मेडिकल पार्ट है, जो एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई वो डॉक्टर ने रेप का ऑफेंस किया, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये जो है जो मेडिकल एग्जामिनेशन का जो भाग है, ठीक है, अगर कोई लेडी डॉक्टर के पास गई कि नहीं भाई सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर चेकअप करेगा, तो अपन ये नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई उसने रेप किया, क्योंकि वो मेडिकल पार्ट है ट्रीटमेंट का, तो कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसके जो, लेकिन वो डॉक्टर ने अगर जो अभी अपन ने जो सेवंत ये जो पढ़े डिस्क्रिप्शन, उसमें का एखादी ऑफेंस अगर उसने किया डॉक्टर ने, तब अपन बोल सकते हैं कि नहीं भाई उसने रेप किया, रेप का ऑफेंस किया, ऐसा अपन बोल सकते हैं। इसके बाद एक्सेप्शन टू में दिया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। अभी ये अमेंडमेंट हुआ, पहले 15 ईयर्स था, ठीक है, 15 ईयर्स था, अभी उसमें 18 ईयर्स हो गया, ठीक है, पहले 15 ईयर्स था उसमें, अगर वाइफ अगर बिलो 15 ईयर्स है तो अभी उसमें 18 ईयर्स हो गया, ठीक है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया मैन ने उसके वाइफ के साथ, ठीक है, वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप, ठीक है। अगर वो वाइफ 18 ईयर्स के अबव है, 18 ईयर्स अबव है, अगर मैन ने अपने वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और वो 18 के अंदर उनकी एज नहीं है, तो ऑफेंस रेप का ऑफेंस नहीं बनेगा, ठीक है। अगर वो 18 के अंदर उसकी एज है, अंडर 18 ईयर्स है, अगर हस्बैंड ने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो रेप का ऑफेंस बन जाएगा। तो ये हो गया। और उसमें जो कोई पनिशमेंट उसमें दिए सेक्शन 376 में, पनिशमेंट फॉर रेप, हुएवर कमिट रेप शैल बी पनिश विथ रिगरियस इंप्रिजनमेंट बाय द डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर्स, 7 ईयर्स के नीचे पनिशमेंट नहीं होंगी, बट विच मे एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन। इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ भी हो सकता है उसको, और 7 साल के नीचे पनिशमेंट नहीं होंगी, उसके साथ फाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो और ये पनिशमेंट जो है रिगरियस इंप्रिजनमेंट है। ये मेरी वीडियो लॉन्ग हो जाएंगी, ये मैं अभी कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू। और ये अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो। टेक केयर।